माता जी चरण स्पर्श। आशीर्वाद देते हैं। माता जी, काफी समय से कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। आपके शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, अर्थ के रूप से सभी तरफ से परेशान जी माता जी, खैर हैं, क्या। और आप अपने जीवन में सब कुछ अपने परिवार को ही समझो, किंतु तो परिवार आपको नहीं समझ पाया। जी जीवन में अगर आप कहीं कुछ पूछ रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, तो उन्हें कुछ ना बताओ, जी वो खुद ही बताएं आपको। यानी आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपसे बताएं, हम चर्चा करें, हम बताएं कि आपको कहाँ और कैसी परेशानी है और कब ठीक होगी। जी जी माता जी, आपको अपनों से ही धोखा बहुत मिला, जिन्हें आप समझना चाहते थे उन्होंने आपको नहीं समझ पाया। आप प्रश्न करें। घर में कुछ दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, किसी ने कुछ करवाया है क्या, कोई ऐसी कोई बात है क्या। कुछ दिन पहले हम किसी एक बाबा जी के पास में गए थे, तो उन्होंने एक भभूति दी थी, लौंग दी थी, यही सब पूछने के लिए परेशानियों को लेकर के। चीजें अभी कुछ बिगड़ी है घर में, ऐसी के एकदम से परेशान हुए। तो उसके बाद मतलब उस उनकी भभूति लाने के बाद, मतलब गाड़ी से, मतलब जब हम लौट रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम मांस खा लें, जबकि हम ब्राह्मण हैं, कभी हमने ऐसी चीजें नहीं करी हैं। तो ऐसे विचार आए उस, और हमारी तबीयत खराब हुई। फिर अभी मम्मी को छाले हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो थोड़ा सा इन सभी चीजों से घबराए हुए हम छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। इस चीज की कई आपसे कहा कि जिन पर अधिक विश्वास आपने किया उन्होंने आपको धोखा दिया, आपने बोला कि नहीं माँ ऐसा नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा लगता है हमारे घर किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बताया। तो जब आपको अपनों ने धोखा ही दे दिया, आपके अंदर सब ठीक है, घर परिवार में सब ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि घर परेशान है, ये बात क्या हुई? माता जी, जैसे घर में कुछ चीजें काफी समय से बिगड़ रही थी, चीजें बहुत अच्छी हुई बीच में, फिर सब चीजें बिगड़ती चली गई। जैसे बिजनेस में भी चीजें बिगड़ी। आप नहीं बताइए ना, आप ही बता देंगे तो हम क्या बता देंगे। आप तो पहले ही कट कर दिए, जी हमने जी सॉरी, जितने शब्द माफी चाहते बोले माता जी। हैं, हमने जितना कहा है उतना पूर्ण सत्य है। आपका घर अस्त व्यस्त फिर होता है, फिर ठीक होता है, फिर बिगड़ता है, फिर ठीक होता है, फिर बिगड़ता है। एक जी जी माता दूसरे जी, घर में एक दूसरे के ऊपर फिर विश्वास बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है। और घर में कभी सभी का मन एक चित्त होता है, फिर बिखर जाता है, सभी का मन एक चित्त होता है, फिर बिखर जाता है। और धन संपत्ति भी समस्याएं बनी है, धीरे धीरे धन में हानि होती जा रही है, स्वास्थ्य में हानि होती जा रही है, मनोस्थिति डगमगाती जा रही है, ईश्वर से आस्था दूर होने के चांस बन रहे हैं। जब ईश्वर से आस्था दूर होगी तो रक्षक कौन बनेगा हमारा? सही बात है। आपके साथ में वो होना चाहिए कि अगर कोई कुछ भी करे, अगर कोई टोटका कर रहा है या किसी ने कुछ कर दिया है, शत्रु बाधा हो गई है, तो कैसे मुक्ति मिले और तत्काल मुक्ति मिले। अगर जीवन में रोग व्याप रहा है तो वो रोग से हमें तत्काल मुक्ति मिले और हम निरोगी काया को प्राप्त हो, शत्रु मुक्त हमारा जीवन हो, बाधा मुक्त हमारा जीवन हो, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो मैया, हम क्या करें? तो मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको परिवार अपमानजनक देखता है, आपका घर ही आपको स्वर्ग सा लगता है, आप अपने घर को स्वर्ग सा देखना चाहते हैं और वही स्वर्ग में आप आनंद भोग उठाना चाहते हैं, ये आपके सपने हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल है माता कि जी, नहीं? बिल्कुल माता जी। दुनिया बाहर सुख प्राप्त करती है, लेकिन आपका एक ध्येय रहा है बचपन से ही कि मेरा अपना स्वर्ग, मेरा सारा सुख, मेरा घर और मेरा परिवार ही है। लेकिन जी वह जी परिवार में कभी कभी बड़ी जोर से विस्फोट होता है तो एक दूसरे से मन विचलित होता है, भिन्नता होती है, भिन्नता होने लगती है, और ये
जब अपशगुन आपके घर में होने लगते हैं, परिस्थितियां एक बड़े विकराल दुख में परिवर्तित होने लगती है परिस्थितियां, तब ऐसा लगता है कि काश कोई हमें सहारा मिल जाता, ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर मांग। तो ऐसी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए देखो, आपके जीवन में आर्थिक रूपी समस्या भी ठीक हो, मानसिक रोग ठीक हो और शारीरिक कष्ट भी दूर हो, भूत प्रेत बाधाओं से, विशाचों से आपको मुक्ति मिले, तो उनके लिए एक ही मार्ग है, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र शरण। इस संसार में विद्याएं अनेक है, लेकिन ब्रह्मास्त्र विद्या से बढ़कर के विद्याएं नहीं है। शस्त्र अस्त्र बहुत है, लेकिन ब्रह्मास्त्र से बढ़कर के शस्त्र और नहीं है। और ब्रह्मास्त्र की आराधना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र का ध्यान छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं किया जाता। जब जीवन विपरीत दशा में भटकने लगा होता है, जीवन में ऐसा लगता है कि अज्ञान रूपी अंधकार के वशीभूत होकर के हम और घोर कष्ट की काल कोठरी में बैठ चुके हैं, जब ऐसा लगने लगे तब माँ भगवती ब्रह्मास्त्र की शरण लेना चाहिए, वो भी साधक सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य हम्म। में। अभी हमारा आप एक बार भविष्यवाणी सुने हैं, आप तो आप अनेकों बार भविष्यवाणी हमसे करवाएं और अनेकों बार में पूर्ण सत्य खरा उतरे, तब आप जुड़िएगा, तब आप मानिएगा, जी, वरना हमारे सनातन में धर्म में व्यापार भी होने लगा है बेटे। तो माता ये जी, धर्म के व्यापार में अच्छे अच्छे सिद्ध संत महापुरुषों को भी थोड़ा दुखी होना पड़ता है कि नहीं गुरु जी आपको कुछ नहीं आता, हम ठीक बहुत डरे हुए हैं इन चीजों की वजह से। अभी हैं। आप हमें माता जी ये बताइए, घर में है क्या, एक्चुअल में अपने घर में है क्या परेशानी, क्या चीज है, कौन रह रहा है घर में, कोई प्रेत बाधा है तो कौन है, क्या है, ये तो पता चले। कम से कम ये भी नहीं समझ में आ रहा है, अपन उपाय करें उस चीज का माता जी। सबसे बड़ी बात है कि जिस घर में पितरों का दोष होता है, जी माता जी, एक तो आपके घर में ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया है, भूत प्रेत बाधा पिशाच बाधा, और जिस कारण से आपका घर आपका जीवन परेशान है, और ऐसा नहीं है कि कोई भूत प्रेत पिशाच खरीद के ला करके और आपके घर में डाल दिया और आप कष्ट को का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके घर में आपके पितृ जागृत अवस्था में होने के कारण, पितरों का दोष होने के कारण आपका घर परिवार कभी अच्छा, कभी सुख, कभी दुख के भोग काल भोगते रहता है। और जिस घर में प्रेत पितृगण परेशान रहे, पितृगण माने प्रेत, भगवान शिव के जो गण है वो प्रेत, उन्हें हम कहते हैं ना प्रेत गण, गण माने प्रेत होते हैं और देव माने देवता होते हैं। जिस समय प्रेत गण जागृत अवस्था में होते हैं तो पूरे घर को विध्वंस मचा देते हैं, अर्थ की समस्या खड़ी कर देते हैं, स्वास्थ्य संबंधी मतलब बीमारियां खड़ी कर देते हैं, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा से वंचित कर देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, धन संपदा संबंधी दुख प्रदान करते हैं और कहीं के और किसी के लायक नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसा लगता है जीता जागता प्रेत हमारे घर में ही विद्यमान रह रहा है। तो ये जो परिस्थिति माता जी, जैसे हम मतलब एक बार हम जैसे 11th 12th क्लास की बात हो गई, 10th 11th क्लास की, हमें घर में एक मतलब एक आभा दिखी थी, मतलब दो तीन लोग दिखे थे साथ आप में। नहीं बताइए, आप नहीं बताइए ना, हम ही बता दे रहे ना, हमारे प्रश्न को आप बीच में काट देते हैं और जी, हम माफी चाहते क्या हैं बताएं। हम जी। माता जी बताइए। घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर में और किसी की भेजी हुई ऊर्जाएं नहीं है, आपके पितृगण जागृत अवस्था में है और वो तो प्रत्यक्ष रूप में आपके घर में घूमते हैं, इधर से उधर जाते दिखते हैं, उधर से इधर, जब आप सभी लोग घर के एक साथ बैठे होते हैं या भोजन कर रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि वो दरवाजे से इस तरफ कोई गया, और जबकि वहां कोई गया नहीं है, वो आत्माएं ही भ्रमण करते रहती हैं। तो इन पितरों से आपको सावधानी बरतना है, इन पितरों से आपको बचना है, इनकी मोक्ष की गति प्रदान होकर के और आपको सर्व सुख प्रदान हो, तो ऐसी परिस्थिति निर्मित करने के लिए आपको इनकी इनकी मूल शांति और इनको मोक्ष गति कैसे प्रदान हो, तो ये आपको सिद्ध संत महापुरुषों के द्वारा ही जागृत अवस्था में ज्ञान प्राप्त होगा, या दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इनकी मोक्ष की गति प्रदान इनको प्राप्त हो, और जैसे ही इनको मोक्ष की गति प्रदान प्राप्त होती है तो भगवान श्री हरि नारायण ही आपको पितरों के रूप में दर्शन देकर के अनेक हाथों से अनंत कोटि शुभ आशीर्वाद शुभ फल प्रदान करते हैं, जिससे आपका जीवन सुख में परिवर्तित हो जाता है। तो यह सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं, पितृ जागृत अवस्था में है तो आपको अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं।
ठीक है दीदी, और इनसे मुक्ति पाने के लिए फिर आपको शुद्ध सागर का सानिध्य प्राप्त करना अति आवश्यक है। और ये जो प्रेत पितृगण है, किसी के भी सर पे सवार होकर के कभी भी कोई भी विध्वंस करा दे। अच्छा।